Travel Preeti. Hi guys, welcome to my channel Style with Preeti. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. All are safe and healthy. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चना चाट की रेसिपी विथ अ ट्विस्ट. मैंने इस रेसिपी में चने के साथ साथ खड़ी मूंग का भी यूज़ किया है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी. सो चलिए हम चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं. मैंने एक कटोरी चना लिया है जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके बॉईल कर लिया है, एंड एक कटोरी ही मूंग भी लिया है जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके अच्छे से बॉईल कर लिया है. ज्यादा बॉईल नहीं किया है, थोड़ी सी ही बॉईल किया है, ये देखिए इस तरीके से. एंड प्याज मैंने एक मीडियम साइज की बारीक काट ली है, एक टमाटर बारीक काट लिया है, एंड एक हरी मिर्च भी बारीक काट ली. थोड़ी सी प्याज टमाटर मैंने अलग रख दिया है ऊपर से डालने के लिए. एंड एक चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है. तो यहाँ हम एक पैन में एक चम्मच ऑयल लेंगे, आप कोई सा भी ऑयल यूज करते हैं. मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है. देखिए ऑयल गर्म हो गया, फटाफट से हम इसमें जीरा डाल देंगे. मैं हरी मिर्च ऐड कर दी है, प्याज ऐड कर देंगे. अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे. यहाँ पर प्याज हमारे पक गए हैं, अब उसमें टमाटर ऐड करेंगे. जब तक हमारे टमाटर पके तब तक हम फटाफट से मसाला रेडी कर लेते हैं. मसाला रेडी करने के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे. अब इसमें हम इस पेस्ट को ऐड कर देंगे. इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना कर दे. तरीके से मसाले को पकाने से चाट का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है. देखिए मसाला अच्छी तरीके से पक गया है. अब हम इसमें चने ऐड करेंगे और यहीं पे हम खड़ी मूंग को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. अब हम यहाँ पे 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे और यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर दें. सो ये रेडी हो गया. चलिए फटाफट से प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं. सो इस तरीके से आप चाट को एक बाउल में निकाल लें और उसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालें, टमाटर डालें, थोड़ी सी हरा धनिया डाल दें और ऊपर से सेव डाल के गर्मा गर्म सर्व करें.